वेलकम टू प्रीति सांगवान लाइफस्टाइल। तो मैंने आप लोगों को बोला था जब मैं घर गई थी कि मैंने क्या शॉपिंग करी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो स्पेशल वीडियो बना के। बट मैं घर पे गई सिर्फ 2 दिन के लिए, 1 को गई थी, 4 को वापस आ रही थी, तो कोई ऐसी स्पेशल शॉपिंग मैं कर नहीं पाई। सूट मैंने पहले ही खरीद लिए थे, मम्मी ने मेरे को बोल दिया था कि अपने वहीं से शॉपिंग कर लेना क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा हो रखी थी। और कुछ मैंने 1-2 ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, और जो मैंने ऑनलाइन मेरे बनने के लिए दे रखे थे ऑर्डर पे बनवाए हैं मैंने, तो वो अब तक पहुंचे नहीं है, तो मैं वो अभी भी नहीं दिखा सकती। उनकी वेट में मैंने इतने दिन कर दिए, बहुत ज्यादा लेट कर दी मैंने वीडियो। तो जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मम्मी पापा ने पैसे दे दिए थे, तो टोटल शॉपिंग मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मम्मी और का क्या था या हमारा क्या था वो चीज मैटर ही नहीं करती जब मम्मी और ने पैसे दे दिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लेके आई। सबसे पहले सूट दिखा देती हूँ मैं आपको। एक मैंने ये सूट आप लोगों ने सॉन्ग्स में देख भी लिया होगा, ये सूट डाला था, ये देखो, ये इसकी पैंट का ऐसे मैंने डिजाइन बनवा रखा है, तो ये पैंट बनवाई है मैंने। सी ग्रीन कलर का सूट है, और ये मैंने अपने सूट पे भी पहना था जो मेरा सॉन्ग्स का मैंने शूट किया था उसमें पहना था, तो ये मैंने खरीदा था। बहुत मेरे पास डीएम आए हुए थे कि आप अपने सूट दिखाओ, सूट दिखाओ, कहाँ से लेके आए, कितने के आए, तो मैंने सोचा मैं स्पेशल वीडियो बना के ही दिखा देती हूँ। और ये मैंने ऐसे इसके पीछे टसल लगवाए थे मल्टी कलर में, क्योंकि इसका दुपट्टा मल्टी कलर का है। ये सारा इस पे हैंडवर्क है, बिल्कुल बहुत सुंदर प्यारा। और फैब्रिक क्या है, ऑर्गेंजा सिल्क, ठीक है। और ये इसका दुपट्टा है मल्टी कलर का जो मैंने आप लोगों को दिखाया, और इस पे कटदाने का काम है, सारा का सारा नलकी पाइप का काम है, और कटवर्क है चारों तरफ। और एक सूट ये लेके आई मैं जो मम्मी और ने दिलवाया, या मैंने जो भी शॉपिंग करी मतलब खरीदा यहां से, तो इसके ऐसे ये दुपट्टा है, इसकी शर्ट सिल के नहीं आई, मैंने अपने घर पे वहां पे सिल नहीं दी थी आंटी को, और आंटी ने सिल के दिया नहीं अभी, तो ये ऐसे वर्क है। शर्ट पे भी सेम ऐसे ही कलर की शर्ट है ऑर्गेंजा सिल्क में, और नीचे ऐसे है झोली पे ऐसे आगे ऐसा काम है, बहुत पैच वर्क है ये, और इसपे कटदाना लगा हुआ है बहुत सुंदर सा, बहुत ही अलग सा पीस है ये। कलर भी ग्रे ब्राउन मिक्स है, और इसके ऐसे टसल लगे हुए हैं कोने पे, ऐसे टसल लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सूट है बहुत। और कॉस्ट भी मैं बता दूं क्या आप लोगों को, फिर आप पूछते हो कि कॉस्ट क्या थी। तो जो ये वाला सूट है, वैसे मेरे को याद नहीं है सही बताऊं, मैं आइडिया बता सकती हूँ, जो ये सूट है ये 4,000 से 5,000 के बीच में है, जो ये सूट है ये 6,000 से 7,000 के बीच में है। और इसकी पैंट है, पैंट सिलवाई है यहाँ पे, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो मैंने ये थोड़ा लूज प्लाजो बनवाया है, इसका ऐसे लेस लगवाई है, समोसा लेस, इस कलर का ही इस पे वर्क है, तो मैंने ऐसी लेस लगवाई है। शर्ट इसकी अभी आई नहीं। एक मैंने ये सर्दी का सूट लिया था जो कश्मीरी होते हैं बेचने वाले, उनसे ये पैंट बनवाई है गाजरी कलर का, ये पैंट बनवाई है, ये भी घर से ही सिलवा के लेके आई हूं मैं। और ये शर्ट है, ये मैंने पहना नहीं है अब तक, ये शर्ट है कालमकारी में, और सर्दी का मुझे अच्छा लगा, जैसे कई बार ऐसा होता है हमारा स्वेटर वगैरह पहनने का मन नहीं होता, तो ये पहन के जा सकते हैं हम आराम से कहीं थोड़ी बहुत ठंड हो तो। और इसका ये स्टोल है ऐसे, ये नीचे बॉर्डर है और बाकी प्लेन है। तो ये सूट है 1500 से 2000 के बीच का, मतलब अराउंड 2000 के अराउंड है, ठीक है। और एक ये ब्लैक सूट है, इसकी बहुत ज्यादा मेरे पास मैसेज आए हुए थे कि आप अपना ब्लैक सूट कहाँ से लेके आए हो, कहाँ से लेके आए हो, तो मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। ये भी मैंने सूट पे पहना था अपनी, ये मैंने स्टिच करवा लिए थे पहले, क्योंकि है ना मैं जाती हूँ फिर टाइम थोड़ा होता है और उस टाइम में सिल नहीं पाते सूट। ये मैंने ऐसे पाइपिंग लगवाई है लेस की, वर्क के साथ मैचिंग, और ये वर्क है देखो,
बहुत ही प्यारा वर्क है, ध्यान से देखो आप वर्क कितना अच्छा है, चीज पहचान में आई जाती है कि कैसी चीज है। ये मैंने इसकी सलवार बनवाई है, उस टाइम पे रेडी नहीं हुई थी तो मैंने पैंट पहन ली थी, मेरे पास ब्लैक कलर की पैंट थी शूट पे तो मैंने पैंट पहन ली थी, तो मैंने ये ऐसे ट्यूलिप में सलवार बनवाई है इसकी। ये लेस जो मैंने पाइपिंग लगवाई है वही लेस लगवाई है इस पे, तो ये भी आप लोगों ने वीडियोस में देख लिया होगा डाला हुआ कैसा लग रहा था, तभी आप लोगों ने बोला था कि बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है सूट, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे इसके लिए। और इसका दुपट्टा दुपट्टे में ही है बस सब कुछ जो मैंने देख के सूट को पसंद किया। आप वर्क देखो, सारे दुपट्टे में वर्क देखो आप, ऐसे सारे में ये वर्क है, और फिर कोनों पे ये वर्क है। आप देखो जो इसके कॉर्नर हैं वो देखो, बहुत सुंदर बहुत बारीक वर्क है, बहुत सुंदर बने हुए हैं। इस सूट की रेंज है 7 से 8 हजार के बीच में, ओके। एक ये सूट भी आप लोगों ने वीडियोस में मेरी देखा है, हाँ जी, ये देखो ये इस बंधेज में ये सूट है पर्पल कलर का, डार्क पर्पल, और गले पे सिर्फ इसकी नेक पे ये है मिरर वर्क, मिरर और कटदाने का काम है, और मैंने इसकी बाजू ऐसे बनवाई है कट वर्क में। मैं ज्यादा ज्यादा डिजाइन नहीं बनवाती, बस सिंपल पीछे डोरी होती है और थोड़ा बहुत डिजाइन करवाती हूँ, और ये इसकी पैंट बनवाई है मैंने, मैं मोस्टली पैंट बनवाती हूँ मोस्टली, और ये ऐसे पैंट में ऐसे नीचे ये कपड़ा लगवाया है शर्ट वाला, और ये कट वर्क मैंने इसमें करवाए हैं, तो ये डिजाइन करवाया है। और ये इसका दुपट्टा है प्योर का, चारों तरफ मिरर वर्क है कट वर्क में, और ये देखो बहुत ही सुंदर। तो मैंने डिटेल में ही आपको समझा के वीडियो बना दी है ताकि आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए बाद में कमेंट करने की जरूरत ना पड़े, मैसेज करने की जरूरत ना पड़े। एक ये सूट है जो मैं पहन के आई थी घर से, हाँ एक ये सूट मैंने सिलवा लिया था पहले ही, क्योंकि मेरे को पता था कम टाइम होगा तो मैं पहन के जो सूट आऊंगी वो रेडी करवा लेती हूँ पहले, क्योंकि आंटी बोलती है कि एक सूट सिल के दे सकती हूँ मैं टाइम पे बस, तो फिर मैंने सर्दी वाला तो वहां सिलवा लिया था, ये पहले मैंने यहीं पे सिलवा लिया था। और ये है इसका दुपट्टा प्योर का, चारों तरफ पाइपिंग है, और ये टसल लगे हुए हैं ऐसे, बस सिंपल दुपट्टा स्टोन लगे हुए हैं, और ये ऐसे टसल लगे हुए हैं चारों कोनों पे। सॉरी इसका मैं प्राइस बताना भूल गई थी, जो पर्पल कलर का था इसका, इसका प्राइस है 4 से 3.5 से 4.5 हजार के अराउंड, हाँ 4 हजार के अराउंड ये सूट है। फिर ये येलो आप लोगों ने देखा ही था वीडियोस में, बट इसमें आपको पास से दिख जाएगा, नीचे से बिल्कुल एक लाइन आती है लंबी, और बीच में बुटियां हैं, लंबी लाइन आती है दोनों तरफ मिरर वर्क में, और साइड में है सीक्वेंस चिपकाए हुए, और यहाँ पर सारा नेक पे देखो मिरर वर्क है, ये बिल्कुल छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा, ये ओरिजिनल मिरर है, और बीच बीच में दबके का गांठ का काम है, बहुत ही सुंदर सूट है। और ये बाजू है, बाजू पे ये ऐसे पाइपिंग, और ये मिरर वर्क, पीछे मैंने ऐसे डिजाइन बनवाया है नेक का, ये देखो जिप लगवाई है, ये जिप लगवाई है, अब ऐसे जिप लगाते हैं बिल्कुल दिखती नहीं है, ये इनविजिबल है, और ये पीछे ऐसे मटका गला बनवा के तो मैंने ये लेस लगवाई है यहाँ पे, और ये लेस मतलब मैच करके इसमें तो ही मैंने लगवाई है, और जो इसके टसल बनवाए हैं ये देखो, ये देखो इसके ऊपर गोटा पत्ती करके भी लेस भी लगती है, बट इसपे जो मास्टर ने ये बना दिए थे सितारे वाला कपड़ा लेके, तो फिर इस पे जरूरत नहीं थी। और इसके नीचे मैंने बनवाई है अफगानी पैंट, ये देखो यहाँ पे ऐसे ये डिजाइन करवाया है समोसा लेस का, और चुन्नट है, और बिल्कुल ऊपर से पैंट स्टाइल में ही है, मैं सलवार वाली नहीं पहनती। और इस सूट का प्राइस है, इस सूट का प्राइस है मुझे याद नहीं है सबके प्राइस,
इस सूट का प्राइस कितना था? अराउंड 5,500, 5,500, हाँ यही होगा, 5 से 6 के बीच में, मुझे प्रॉपर याद नहीं है पर 5 से 6 के बीच में। ठीक है, अब मैं दिखा देती हूँ मुकुल के। मुकुल एक पैंट तो पहन के आया था अपनी ब्लू कलर की, तो वो तो मैले कपड़ों में पड़ी है भाई, सर्दी है, सूखते भी नहीं है, तो वो पहन के आया था। और एक ये पैंट लेके आई थी मैं, ये उसने अब तक पहनी नहीं है, ग्रे कलर की। ठीक है, और एक ये वो पहन के आया था, स्वेटशर्ट स्वेटर जो भी, एक ये लेके आई थी उसकी, ये पहन के आया था मुकुल, ये वहीं से लेके आई थी मैं, घर से ही मुकुल के वहीं से लेके आई थी। और ये उसका यहीं से ले लिया था मैंने, ये अपर है, ये बैक है इसकी, सतरंगी बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे कपड़े। और ये मैं कुछ अपने सर्दी के लेके आई, ये स्वेटशर्ट है विदाउट कैप, ये डिस्काउंट में मिल गए थे गाइज, ये ना डिस्काउंट में मिले थे, इनका ऊपर प्राइस तो बहुत ज्यादा है, 3,299, बट ये प्राइस में थे सॉरी, ये डिस्काउंट में थे, और इसीलिए डिस्काउंट इन पे काफी अच्छा डिस्काउंट था, मतलब अराउंड मुझे ये 2-2,500 के अराउंड, 2,500 के अराउंड ये पूरा सेट पड़ गया था, मतलब ये पूरा सेट। नीचे मैंने ये सेट अलग अलग थे वैसे, ये सेपरेट थे बट मैंने ऐसे बनवा लिया था, ये लोअर है गरम तो मैंने ऐसे ये बनवा लिया था, रेड टेप के हैं ये, तो रेड टेप पे काफी डिस्काउंट था। एक है ये देखिए, ये है वुलन में टॉप, और ये ली है मैंने जैगिंग गरम ब्लैक कलर की, तो ये इसके ऊपर बहुत अच्छा जाएगा। एक ये ड्रेस हो गई, ये देखो ये अंदर से ऐसे गरम है, बहुत गरम, तो एक ये ली है मैंने, और एक ली है मैंने ये ब्लेजर जैकेट जो क्रीम कलर की, इसमें ये एक्स्ट्रा बटन भी दे रखा है, तो इसमें ये साइड में पॉकेट का डिजाइन बना रखा है, पॉकेट नहीं है, और ब्लैक कलर की आउटलाइन है इस पे, और बीच बीच में इसके गोल्डन गोल्डन सितारा, क्या बोल सकते हैं इसको, सितारा भी नहीं है, जो भी है आप देख लो, तो ये है, थोड़ा पार्टी वेयर भी ये चल सकती है, इसीलिए मैंने ये ली, सूट वगैरह पे पार्टी में बहुत सुंदर लगेगी। एक ये टॉप ली मैंने वैसे ही कैजुअली पहनने के लिए, नॉर्मल रूटीन में, एक ये टॉप ली है, और एक ली है मैंने ये जैकेट ब्लैक कलर की जो सब पे चल जाएगी। तो ये थी मेरी सारी शॉपिंग, सिड को पैसे ही दे दिए थे घर वालों ने, और वो अपनी जैकेट ले आए थे, मैं दिखा देती हूँ उनकी जैकेट भी, वेट, ये है सिड की जैकेट वाइट कलर की, बस मेरी ब्लैक है और उनकी वाइट है, सेम है बिल्कुल सेम, तो मेरे पास ऑफ वाइट में पहले से थी इसीलिए मैंने वाइट नहीं ली, बाकी मेरा भी मन था वाइट लेने का तो हमारी है सेम जैकेट बिल्कुल, इनकी वाइट है मेरी ब्लैक है। तो ये थी हमारी शॉपिंग, कैसी लगी आप लोगों को, क्या चीज पसंद आई क्या नहीं आई कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वेट करूंगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना सारे के सारे, बेल पे प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना, ठीक है, नमस्कार, बाय।